रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिकारिया को किसी के पहचान की मोहताज नहीं है भारत में इन्हें एक देवी के रूप में देखकर लोग इन्हें देवी का दर्जा ही देते हैं रामायण में सीता का किरदार निभाने के बाद लोग सीता का ही दर्जा देते हैं यहाँ तक लोग रामायण देखने के बाद यही मानते हैं कि यही राम और यही सीता हैं रामायण में सीता का इतना अच्छा किरदार निभाया है कि लोग इन्हें आज भी दिल से प्रेम करते हैं अभी हाल ही में लॉकडाउन के समय फिर से टीवी पर रामायण दिखाया गया था इसमें से शायद हमें ऐसा एस ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रामायण ना देखी हो और उसके बाद दीपिका चिखलिया की लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई है लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं दरअसल कुछ दिन पहले दीपिका चिखालिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिस पर फैंस का ध्यान चला गया फिर क्या था वो भी लोगों के निशाने पर आ गईं दरअसल दीपिका छिखा लिया स्कर्ट और स्कूल की शॉर्ट ड्रेस में नजर आई थी और उसके साथ ही उन्होंने अपने एक हाथ में ड्रिंक का गिलास ले रखा था जिसे देखकर दीपिका के फैंस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा फिर क्या था इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी जब दीपिका चिखालिया का यह नया रूप लोगों ने देखा तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगे इसमें से एक यूज़र ने पूछा कि उन्होंने ऐसा लुक क्यों कैरी किया है तभी दूसरे यूज़र ने लिखा ये आपका कौन सा अवतार है सॉरी देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तभी तीसरे यूज़र ने लिखा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करती हैं हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन वो निजी रहे तब तक ही अच्छा है तभी चौथे यूज़र ने लिखा मैम आपकी इमेज हमारे दिलों में बहुत अच्छी है क्यों ये सब करके आप अपनी इमेज ख़राब कर रही हैं तभी पाँचवें यूज़र ने लिखा आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए दीपिका जी हमने आपको देवी का दर्जा दिया हुआ है ऐसे हज़ारों यूज़र ने अच्छे अच्छे कमेंट किए तब जाके उनको समझ में आया कि ये सब ठीक नहीं है उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय